بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हरम में वजू करके आती हूँ, मुझे निकोरिया की तकलीफ है. कोई बात नहीं, आप नमाज पढ़ती रहें और उसको गिरने से बचाने के लिए कोई पैंपर्स या आजकल तो बड़ी चीजें हैं वो इस्तेमाल करें ताकि हरम में कोई कतरा पलीत ना गिरे. हमारे घर दो बच्चे हैं, उनका दिमाग खराब है. अल्लाह शिफा अता फरमाए. आप उनके लिए दो रकात पढ़ के दुआ किया करें. मर्द एक दिन में कितने उम्रे कर सकता है, चाहे 10 करे, लेकिन हर दफा उस तरह भी रवाना पड़ेगा. मैं कोड़ा खटक से सैबुल आया हूँ. मेरा दोस्त के बाद दोनों के गुर्दे खराब है. अल्लाह शिफा अता फरमाए. दम का माने यही होता है कि एक बकरी जाके जेबे करें और गरीबों को तकसीम करके खिला दें या किसी इदारे में दे दें, वो खिला देंगे. हम इंडिया से आए, एक उमरा कर दिया, दूसरे उमरे का क्या तरीका है? जैसे पैदा किया है, जाके एहराम बांधो, उसी तरह तवाफ करो, सफा दौड़ो, बाल कटवाओ. जनाजे के खत्म होने के बाद एक तरफ सलाम फेरना भी जायज है और दो तरफ जो है हनफी मसलक में अफजल है, क्योंकि जितने कलेमात ज्यादा होंगे उतना सवाब ज्यादा होगा. अगर हम हाजी या उमरा करके हजूर पाक को हदिया भेजें, सवाब ठीक है, कोई बात नहीं. मेरा बेटा 20 साल का है, नाफरमान है. बहरहाल दो रकात नमाज पढ़े, एक तस्बीह सूरत अल इखलास कुलो अल्लाह वाहद पढ़ के उसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उसको फरमा बरदारी नसीब करे.